Good morning, class 7. Today, we will going to read the chapter 2nd of New Kingdoms of class 7. So, what we will going to read about this chapter? New Kingdoms means here, ki bahut saal pehle, when we are at the stage of medieval period, there are many kind of kingdoms has been formed. Yani ki bahut sare kingdoms form hue the, jo bajane jate the, bahut sare jati, jise hum kehte hai na, Rashtrakutas, Kshatriyas, Rajput. So, ye sab कि नई नई किंगडम्स फॉर्म हुई थी तो उसकी फॉर्मेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पढ़ने लायक वो है 700 से 1200 एडी में, इसको मेडिवल पीरियड कहा जाता है, पहला इसे मार्क कर लीजिए। और विंध्यास माउंटेन्स के पास नॉर्थ साउथ इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं उसको हम दक्षिणापथ भी कहते हैं, ठीक है, यानी विंध्यास को हम दक्षिणापथ भी कहते हैं। तो पॉइंट जो ध्यान में रखने वाली है ये है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि हर्षा डेथ के बाद, यानी कि दक्षिण एरिया में जो हर्षा डेथ, यानी हर्षा डेथ मतलब उनकी सेंचुरी जब चल रही थी एडीज की बात है, तो उनकी डेथ के बाद उनका एम्पायर काफी सारे पीसेस में डिवाइड हो गया। अब हम जो बात करेंगे डिवीजन के बाद उनके किंगडम्स यानी कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए और उनके नाम क्या क्या हैं, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन द नॉर्थ द प्लास द गुजरात प्रतिहाराज द राजपूत किंगडम्स एंड द ग्लासनदीस एंड द गोरी एस्टैब्लिश देयर ओरिजिनल किंगडम, ठीक है। इन द साउथ, अब साउथ में क्या है, यानी नॉर्थ में इन्होंने अपना किंगडम बनाया और साउथ में राष्ट्रकूटास पल्लवास, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे ई ऑमिट कर लीजिएगा, पल्लवास पांड्यास एंड द चोलास वर डोमिनेंट किंगडम, ठीक है। अब राष्ट्रकूटास कहाँ पे थे, राष्ट्रकूटा यानी कि हम बात कर रहे हैं साउथ के बारे में, साउथ में राष्ट्रकूटास डेक्कन साइड में इन्होंने ऑक्यूपाई किया, गुजरात और प्रतिहारज ने गुजरात में अपना किंगडम फॉर्म किया और पलाज ने बंगाल में अपना किंगडम फॉर्मेशन किया। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि किसने कहाँ पे अपना किंगडम फॉर्म किया, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें सूर्यवंशी जो बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है कि सूर्यवंशी कौन होते हैं। सबसे पहले 9th से 10th सेंचुरी में जो राजपूत एंड राजपुत्रस जिन्होंने सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में रूल किया, ठीक है, वो क्या कहलाते थे, वो डिसेंट्स कहलाते थे सन के और मून के। वो अपने आप को सूर्य यानी अपने सन और सूर्य या जो सूरज होता था और जो मून होता है उनके अपने आप को वंशज कहलाते हैं कि हम उनके वंशज है, इसलिए अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। अब इन्होंने क्या किया, जो ट्राइब्स थे शाकाश कुशान हंस उनको ऑक्यूपाई किया, उन्होंने वर्ना सिस्टम लेके आया और द फोर इंपॉर्टेंट किंगडम्स दैट अरोज फ्रॉम द रियून ऑफ ओल्ड प्रतिहारास किंगडम, जो ओल्ड प्रतिहारास किंगडम थे उसको खत्म करने के बाद फोर इंपॉर्टेंट किंगडम्स आए, वो कौन कौन से हम उसके बारे में पढ़ेंगे, द चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, द चौहान्स ऑफ डेली, द सलंकीज ऑफ गुजरात एंड द परमार्स इन सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो राजपूत वर नोन फॉर देयर करेज एंड लॉयल्टी, ये हम सभी जानते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो यहाँ से आप यहाँ मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महमूद वॉज द रूलर ऑफ गजनी इन अफगानिस्तान, तो गजनी जगह है वो कहाँ पे है, अफगानिस्तान में, ये आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। हु अटैक्ट इंडिया सेवरल फॉर वेल्थ ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया में बहुत अटैक किया था, किस लिए, इंडिया की वेल्थ को लेने के लिए। और वो अरेबिक स्कॉलर भी अपॉइंटेड थे, उनका नाम क्या, अल बेरूनी, जिनको अपॉइंट किया गया था ताकि किताब उल हिंद में, किताब उल हिंद क्या है, किताब उल हिंद इन्होंने लिखा जिसमें इन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे किंगडम से राजा महाराजा जो होते थे, बहुत सारे आप देखते हो टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स बनाते थे, वो कैसे बनाते थे, वो जनरली क्या करते थे, जो उनके नेबर एरियाज यानी नेबर किंगडम्स यहाँ पे देखिए अटैक करते थे नेबर और रिच एरियाज में, उनके रिसोर्सेज और वेल्थ से वो कंस्ट्रक्ट करते थे। और रेवेन्यू कलेक्टर आप जानते हो कि जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी होता था, तो वो भी उनका अंडर आता था, तो पैसा कहाँ जाता था, पैसा जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं इन्वेजन की, यानी इन्वेजन क्या है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट टू फॉर्म, यानी कि इन्वेजन कब स्टेट्स फॉर्म हुए थे और कब क्या किस चीज का इन्वेजन हुआ था, तो द फर्स्ट स्टेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू फेस मुस्लिम इन्वेजन वॉज सिंध, जो मुस्लिम इन्वेजन की बात कर रहे वो पहला कौन सा था, सिंध, याद रखिएगा, जहां पे फर्स्ट टाइम मुस्लिम इन्वेजन एस्टेब्लिश हुआ था। तो द न्यू रिलीजन इस्लाम एमर्ज इन 7th सेंचुरी एडी इन अरेबिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्रॉफिट मोहम्मद आपने पढ़ा है ना, इन्होंने खलीफा एज अ खलीफा सक्सेसर जाना जाते थे, तो इन्होंने क्या इस्लाम धर्म को एस्टेब्लिश किया। अब मोहम्मद बिन काजिम एंड द अरब जनरल अटैक सिंध इन 7th सेंचुरी एडी, कॉन्कर मुल्तान, महमूद ऑफ गजनी रूल गजनी फॉर मोर देन, यानी महमूद ऑफ जो गजनी थे उन्होंने कम से कम 37 ईयर्स पे इंडिया में रूल किया और इंडिया के वेल्थ को एकदम से चोरी कर करके अपनी कंट्री में ले गए और
ये चाहते थे इस्लाम धर्म इंडिया में स्प्रेड करना। इसीलिए अब इसमें बता रहे हैं कि जो फर्स्ट बैटल हुई थी तेहरान की फर्स्ट बैटल के बारे में आप क्वेश्चन में पढ़ोगे, क्वेश्चंस भी आता है, वो क्या था। पृथ्वीराज चौहान की आपने स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की फाइट हुई थी 1191 एडी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे। अब बेसिकली क्या था ये फाइट क्यों हुई थी, क्योंकि जो मोहम्मद गौरी थे इस्लाम धर्म एस्टैब्लिश करना चाहते थे और कॉन्कर करना चाहते थे, मगर एट लास्ट उनका रिवेंज लेने के लिए मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया और सेकंड बैटल ऑफ तेहरान में वो जीत गए 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। अब आते हैं हम चोलास। चोलास कौन थे? तो चोलास एस्टैब्लिश पावरफुल एम्पायर इन साउथ इंडिया। याद रखिएगा, चोलास ने अपनी पावरफुल डायनेस्टी साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश करी थी। इन्हें इंपीरियल चोला भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्यूजन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि पहले चोलास रूलर कौन थे, उन्होंने क्या किया था, ठीक है। अब ये है केस स्टडी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था उनका चोलास का। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। द कैपिटल ऑफ द चोलास किंगडम वाज एट तंजोर विच वाज लेटर शिफ्टेड टू कांचीपुरम। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस कॉल्ड मंडलम। ईच मंडलम वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वनलंस कंसिस्टेड ऑफ द विलेजेस विच वर लोएस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द चोलास किंग काउंसिल मिनिस्टर स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड टू लुक ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, ठीक है। इनकी एक्सरसाइज मैंने आपको नोटबुक में लिखवाए हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ और थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। न्यू किंगडम्स का ये वेरी शॉर्ट है। हु वॉज ग्रेट टेम्पल बिल्डर, मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले वेरी शॉर्ट है, चैप्टर टू का क्लास सेवन का न्यू किंगडम्स का, ठीक है। हु वॉज ग्रेट टेम्पल बिल्डर, राजा राजा चोला। हु वॉज कॉल्ड सूर्यवंशी, राजपूत आर डिवाइडेड इन अ फर्दर एज वंश एंड वंशा, द वंश इज फर्दर नोन एज सूर्यवंशी, ठीक है। वॉट इज कॉल्ड तंजोर नाउ, तंजवूर, ठीक है, TH ANJAVUR। वेन पृथ्वीराज डिफीटेड, यहाँ देखिए बुक में मिस्टेक है, इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग ये है पृथ्वी, ठीक है, अब बुक में ये लिखा है तो आप इसको ऑमिट कर लीजिएगा। वेन पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज डिफीटेड इन 1191 AD टू मोहम्मद गौरी, जिसे हम यहाँ पे फर्स्ट बैटल भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट बैटल भी कहते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको जरूरत नहीं है वैसे लिखने की, मैं आपको बेसिक बता दे रही हूँ। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर्स पे। व्हाट इज त्रिपर्तित स्ट्रगल, त्रिपर्तित स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टुक इन 9th century, ये आर है बेटा। द स्ट्रगल वॉज बिटवीन द प्रतिहाराज एम्पायर, द पल्लाज एम्पायर एंड द राजकुताज एम्पायर। तो यानी 9th century में इनके बीच में जो फाइट हुई थी उसी स्ट्रगल को त्रिपार्टिट या त्रिपार्टाइट स्ट्रगल भी कहते हैं, इसको आप कैसे भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हो। हु वॉज इम्पीरियल चोलास, अभी देखिए बताया था ना मैंने आप चोलास के बारे में, अभी विजयला वॉज द फाउंडर ऑफ द इम्पीरियल चोलास डायनेस्टी। डिफाइन चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी वॉज अ तमिल थैलासोक्रेटिक एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, ये देख लीजिए ध्यान से, मैंने रीड भी कर दिया आप लोगों के लिए। अब आ जाइए लॉन्ग आंसर्स पे। व्हाट इज मीन बाय त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, पहला लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। द त्रिपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया टू प्लेस इन 9th century, पहला पॉइंट में लिखिएगा, फिर दूसरा पॉइंट लिखिएगा। द स्ट्रगल वॉज बिटवीन द प्रतिहाराज एम्पायर द पल्लास, इसको आप पल्ला भी एम्पायर भी लिख सकते हो, शॉर्ट में बोलते हैं वैसे पल्लास भी बोलते हैं, एस लगाना चाहो लगा लो, द पल्लास एम्पायर एंड द राष्ट्रकुटा एम्पायर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, ड्यूरिंग 8th century AD अ स्ट्रगल फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज टुक प्लेस एमंग 3 major empires, नेमली द पल्लास, द प्रतिहाराज एंड द राष्ट्रकुटाज। अब पल्लास ने कहा रूल किया, पल्लास रूल ईस्टर्न पार्ट, इसको ऐसे थर्ड पॉइंट लिखने के बाद इसको 1, 2, 3 लिख दीजिए या ABC लिख कर दीजिए। प्रतिहाराज ने कहा रूल किया वेस्टर्न, राष्ट्रकुटाज ने कहा डेक्कन में। द स्ट्रगल फॉर कंट्रोल एमंग दीज 3 dynasties नोन एज त्रिपार्टाइट स्ट्रगल, ये इसका आंसर है लॉन्ग का। आ जाओ होते फटाफट देखिए सेकेंड का। हाउ वर चोलास टेम्पल सेंटर ऑफ सेवरल एक्टिविटी, चोलास टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, दीज वर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, पहला पॉइंट। दे वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ वर्शिप, दे वर हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लाइफ एज वेल, अमाउंट ऑफ क्राफ्ट एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। अब मेंशन फीचर्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव इन चोला एम्पायर, यानी जो फीचर्स बताने हैं आपको चोला एम्पायर के, ठीक है। पहला फीचर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवीजन था। अब ये है उत्तर मैनूर, ठीक है, UTTARAMERUR। इंस्क्रिप्शंस वर थ्रोन लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास, यानी जो इंस्क्रिप्शन का नाम ये है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताती है। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाई किंग, एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर था, किंग के अंडर था।
द माइनर डिस्प्यूट्स एट विलेज लेवल वॉज हर्ड बाई विलेज असेंबली. जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते थे वो विलेज में ही हो जाते थे सॉल्व. द ट्रायल ऑफ सीरियस ऑफेंसेज एंड मेजर केसेज कंडक्टेड बाई द किंग हिमसेल्फ, यानी जो मेजर इशूज होते थे उसे किंग सॉल्व करते थे. लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड सेकंड बैटल ऑफ तेहरान. मैंने अभी अभी आपको बताया था, द सेकंड बैटल ऑफ तेहरान पेव्ड द वे फॉर फर्दर मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूट इन इंडिया बाय मुस्लिम्स बिटवीन 1192 एंड 1206 द टर्किश रूल एंड एक्सटेंडेड ओवर द देख लीजिए एक बार, गंगेटिक प्लेन्स ऑफ बिहार एंड बंगाल. द बैटल पेव्ड द वे फॉर फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. Fourth point, the victory of Muhammad Ghori in Second Battle of Tehran was the turning point in India history because of it enabled Turks to lay the foundation of Delhi Sultanate. Second Battle of Tehran 1192 is regarded as one of the turning point of Indian history. ठीक है, ये आपके question answers है जो बहुत important है. Philips बहुत easy है, आप खुद भी कर सकते हैं, आपको कराने की जरूरत नहीं है. You are in class 8th. ठीक है, जो main चीज था देखिए मैं आपको फिर से recording में बड़ा दिखा देती हूँ, आप pause करके देख लीजिएगा. So that's all about this chapter.